हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी। हम लोग आज इस सेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन आता है, कंपल्सरली आता है, और पक्के से इसका मार्क्स आप लोगों को लेना है। ठीक है, सारा मार्क्स आप लोगों को मिलना चाहिए पक्के से। तो यहाँ पर जो रिविजन हम लोग आज करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का, तो उसको हम लोग कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले ठीक है, थ्योरी पार्ट है। ठीक है, थ्योरी पार्ट में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो थ्योरी पार्ट पहले कर लेंगे, फिर बाद में सारा प्रॉब्लम करेंगे। हम लोग टाइप वाइज प्रॉब्लम करेंगे कि किस किस टाइप का प्रॉब्लम एग्जाम में आता है और उसको कैसे टैकल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरी का बात करते हैं हम लोग। थ्योरी को हम लोग कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। थ्योरी जो है हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें पहले तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना इंपॉर्टेंट है, एंगल का और साइड्स का, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री जो है किस में डील करता है। ठीक है, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ क्या, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल बोल लो। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं इसमें रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं एंगल्स और साइड्स के बीच में। एक ट्रायंगल के एंगल्स और साइड्स के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं। स्कोप क्या है हम लोगों का, तो हम लोग का स्कोप जो है यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ना है हम लोग, तो राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल्स और साइड्स के बीच का जो रिलेशन है वही हम लोग को यहाँ पे स्टैब्लिश करना है। इस चैप्टर में सीखना है कैसे स्टैब्लिश होता है। तो सबसे पहले तो उसका नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो देख लो, एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे। एक पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, पहला कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, पहचानना। ठीक है, सबसे पहला कंसेप्ट है पहचान। पहचान किसका, साइड्स का। अभी मान लो हम लोग के पास में एक ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे, जैसे कुछ नाम बोल देते हैं हम लोग, ए बी सी ट्रायंगल, ए बी सी है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जो कि राइट एंगल है किस पे, बी पे। तो बी का जो मेजरमेंट होगा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, जो बी का मेजरमेंट है 90 डिग्री है। ठीक है, तो दो एंगल हम लोग के पास बचता है इसके बाद, ए और सी। ठीक है, तो ए और सी जो है इन लोग का भी सम क्या होगा, 90 होगा। अगर बी 90 है तो रिमेनिंग टू एंगल्स का भी सम कितना होगा, 90 होगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो एक 90 है तो दो का सम और 90 हो जाएगा, तो ए प्लस सी, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90। ठीक है, चलो तो यहाँ पे समझने की कोशिश करो। अगर हम लोग अब इसका नाम बोलें साइड्स का, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है बेस। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ठीक है, ये जो साइड है उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज हो गया, बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तीन साइड है इसका, बट क्या हमेशा ऐसा होता है? तो पहले कॉन्सेप्ट में हम लोग को ये सीखना है, क्या हमेशा ऐसा होता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो कब क्या होता है उसको पहले सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहला जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है यही है। ठीक है, पहचानना, साइड्स को पहचानना। तो अगर हम लोग इस ट्रायंगल में एंगल ए का बात करें, ठीक है, एंगल ए का बात करें, क्योंकि इसमें बी तो फिक्स है, बी तो 90 है हम लोगों का, लेकिन ए और सी कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक्यूट एंगल हो सकता है। ठीक है, कोई भी एक्यूट एंगल हो सकता है, क्योंकि इन दोनों का सम 90 है, तो ऑब्वियसली ये इंडिविजुअल, ये अकेला और ये भी अकेला 90 से कम ही होगा। ठीक है, तो ए का बात करेंगे अगर हम लोग, तो उसके लिए साइड्स को कैसे हम लोग बताएंगे, और सी का बात करेंगे तो उसके लिए साइड्स को हम लोग कैसे बताएंगे, वही हम लोग को समझना है सबसे पहले। ठीक है, इसका समझ बहुत ज़रूरी है। नाउ फॉर एंगल ए, ठीक है, तो ये हमेशा नहीं होगा ऐसा, एंगल ए के लिए, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो एंगल ए के लिए सही है। ठीक है, तो एंगल ए के लिए क्या है, एंगल ए के लिए जो हम लोग का ए बी है वो क्या है, बेस है। ठीक है, बेस का मतलब क्या होता है, आधार। ठीक है, मतलब ए का आधार है, आधार है ना, समझ में तो आ रहा होगा, आधार है, इसी पे ए टिका हुआ है। ठीक है, एक इस पे टिका है, ए बी पे टिका है, तो ए बी क्या हो गया हम लोग का, बेस हो गया, मतलब आधार हो गया। हिंदी में इसको आधार बोलते हैं, और कभी कभी इसको हम लोग एडजेसेंट भी बोलते हैं, इसको हम लोग एडजेसेंट भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो हम लोग का ए के लिए जो हम लोग का बी सी है वो क्या होगा, बी सी होगा हम लोग का परपेंडिकुलर, और अपोजिट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अपोजिट, ठीक है, ये हम लोग का बेस है, मतलब एडजस्टमेंट भी इसको कभी कभी लोग बोलते हैं। बी सी क्या, परपेंडिकुलर है, उसको हम लोग अपोजिट भी कभी कभी बोलते हैं।
ठीक है, नाम है, सब अलग अलग नाम है, इसका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेस है, एडजस्टमेंट है, और हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, ठीक है। इसको बीसी, बीसी मतलब क्या, परपेंडिकुलर और अपोजिट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब भी बोलते हैं, लंब रेखा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आधार। और ये जो है ये फिक्स रहता है, ये नहीं बदलने वाला है, ठीक है। ये तो हाइपोटेनस है, कहीं बदलने वाला नहीं है, 90 के सामने रहता है, जस्ट 90 के सामने वाला जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये बदलने वाला नहीं, ये फिक्स है, बट ये दोनों बदलते रहेगा, किसके लिए, ए के लिए और सी के लिए अलग अलग। तो ए के लिए लिखा हुआ है, ए के लिए जो ए बी रहेगा, जिस पे ए टिका हुआ है वो आधार है, मतलब बेस है, मतलब एडजस्टेंट भी उसको हम लोग बोलते हैं, एडजस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। बी सी क्या है, परपेंडिकुलर है, उसको हम लोग अपोजिट भी बोलते हैं, उसको हम लोग लंब रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। और ए सी क्या है हम लोग, ए सी हम लोग का हाइपोटेनस जो कि फिक्स है, जो बदलने वाला नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं सी का, तो हम लोग एंगल सी का बात करें, तो फोर एंगल सी, फोर एंगल सी, सी के लिए क्या होगा फिर बच्चों, सी के लिए इस एंगल के लिए, ठीक है, हम लोग का जो बी सी होगा वो क्या होगा, बेस होगा या फिर एडजस्टमेंट होगा, ठीक है, फिर एडजस्टमेंट होगा, ठीक है। जो हम लोग का ए बी होगा वो क्या होगा, ये हम लोग का परपेंडिकुलर होगा, या अपोजिट होगा, ठीक है। और ये तो फिक्स ही रहेगा, ऐसे हाइपोटेनस है, ठीक है। तो समझ में आया होगा आप लोगों कि ए जिस पर टिका हुआ वो उसका आधार, सी जिस पर टिका हुआ वो उसका आधार, ठीक है। और सामने वाला क्या हो जाएगा, ए के जस्ट सामने वाला वो क्या है, परपेंडिकुलर है, ए के लिए परपेंडिकुलर, उसके सामने वाला अपोजिट, ठीक है। सी के लिए परपेंडिकुलर, उसके सामने वाला, ठीक है, वो उसका परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है साइड्स का, क्योंकि अगर अगर शेप को चेंज कर दिया जाए, ठीक है, एक ट्रायंगल है आपके सामने, अगर ट्रायंगल ऐसा ड्रॉ कर देते, ये ट्रायंगल ड्रॉ कर देते, चलो ये 90 डिग्री है, ये हम बोल दिए 90 डिग्री है, ये हम लोग का ए बी सी है, ठीक है। तो बी तो फिक्स है यहाँ पे, ठीक है, बी तो फिक्स है, बी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ए और सी क्या है यहाँ पे, अलग अलग है, ठीक है। इसके लिए फिर हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा साइड्स को, इसके लिए हम लोग को साइड्स को बताना होगा, और जो बताना होगा तो हम लोग को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। जब हम लोग ए का बात करेंगे, एंगल ए का बात करेंगे, तो जिस बेस पे है ये जिस बेस पे रहेगा उसको वो कहलाएगा बेस, ठीक है। इसके सामने वाला क्या कहलाएगा, इसके सामने वाला मतलब इसके ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा, ठीक है, और अपोजिट कहलाएगा। ये बेस और एडजस्टेंट या आधार, हिंदी में बोल लो, इसको लंब रेखा बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, अपोजिट बोल सकते हैं, ठीक है। और ये तो फिक्स है, अपना हाइपोटेनस है, ठीक है। तो अभी इस एग्जांपल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कैसे हम लोग साइड्स को पहले डिफाइन करते हैं, साइड्स को कैसे बताते हैं एग्जैक्टली। एंगल ए के लिए ये बेस, एंगल सी के लिए ये बेस, इसका आधार क्या है, सी का ये वाला है, बी सी जो है वो सी का आधार है, ठीक है, ए बी जो है वो ए का आधार है। तो जिस भी एंगल के बारे में बात करेंगे, ठीक है, उसका आधार क्या होगा, जिस पे वो टिका हुआ है, ठीक है। तो ये पहला अंडरस्टैंडिंग था, पहला कंसेप्ट था, तो हम लोग को सीखना था यहाँ पे, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि रिवीजन है तो हम लोग इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो कंसेप्ट नंबर टू हम लोग को देखना है यहाँ पे, कंसेप्ट नंबर टू क्या हम लोगों का, टी रेशियोज, ठीक है, कंसेप्ट नंबर टू, ठीक है, कंसेप्ट नंबर टू हम लोगों का क्या है, टी रेशियोज। तो टी रेशियोज का मतलब क्या बच्चों, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टी रेशियोज का मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। रेशियो का मतलब तो पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। रेशियो का मतलब क्या होता है कि किसी भी दो चीज़ का क्या होता है, तुलना, ठीक है, मतलब कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन बाय डिवीजन उसको हम लोग बोलते हैं रेशियो, ठीक है, डिवाइड करके कंपैरिजन, कंपैरिजन तो होता है ये बहुत तरह से, बट कंपैरिजन बाय डिवीजन जो होता है वो क्या होता है, रेशियो होता है हम लोगों का, ठीक है, डिवाइड करके हम लोग कंपेयर करते हैं दो चीज़ को, ठीक है। तो टी रेशियो का मतलब हो गया, और ट्रिग्नोमेट्रिक जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ रहे हैं, मतलब हम लोग रिलेशन एस्टेब्लिश करने वाले हैं एंगल और साइड्स के बीच में, ठीक है। तो अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला है ए बी सी, ठीक है, अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है बच्चों, तो यहाँ पे ए बी सी में, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग का 90 पे है, मतलब 90 डिग्री है, सॉरी जो 90 डिग्री हम लोग का बी पे है, सॉरी, ठीक है, बी पे है। तो बी पे अगर राइट एंगल ट्रायंगल है हम लोगों का, मतलब राइट एंगल है हम लोग का बी पे, ठीक है, और ए और सी यहाँ पे है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये हम लोग का हाइपोटेनस है एंगल ए के लिए, ठीक है, एंगल सी के लिए भी यही हाइपोटेनस होगा, ठीक है, बट एंगल ए के लिए हाइपोटेनस है, ये हम लोग का बेस है,
और ये हम लोग का परपेंडिकुलर है, ठीक है। एंगल ए के लिए बेस, हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हम लोग लिख लिया यहाँ पे। नाउ एंगल सी के लिए भी बात कर लेते हैं, अगर हम लोग एंगल सी का बात करें यहाँ पे, ठीक है, ए बी सी, इसका हम ओरिएंटेशन चेंज नहीं करेंगे फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ऐसे इसी ओरिएंटेशन में हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, जैसा है वैसा ही। तो सी का बात कर रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है, तो जब सी का बात करेंगे हम लोग एंगल सी का, तो एंगल सी के लिए क्या होगा, ये हाइपोटेनस तो यही रहेगा, देखो यहाँ भी हाइपोटेनस के लिए, ए के लिए भी यही था और सी के लिए भी यही है, ठीक है। 90 डिग्री तो बी पे ही है, ठीक है, लेकिन इसके लिए बेस का आधार कौन सा है इसका, बी सी है, तो ये इसके लिए बेस हो जाएगा बी सी, ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब अपोजिट, इसका अपोजिट ए बी है ना, तो इसका परपेंडिकुलर हो गया अपोजिट, मतलब ये ए बी अपोजिट हो गया इसके, ठीक है। तो ये दो दो दोनों एंगल के लिए, ए के लिए ये बेस ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस, ठीक है, सी के लिए ये बेस ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस, एक डायग्राम को ध्यान से देख लो, ठीक है, तो जो भी कन्फ्यूजन होगा सारा क्लियर हो जाएगा। डायग्राम में क्लियरली यहाँ लिखा हुआ है कि जिस भी एंगल का बात करेंगे, जिस भी एंगल का हम लोग बात कर रहे हैं उसका आधार उसका बेस कहलाता है, ठीक है, ये दिमाग में रखो, आधार ही बेस है, जहाँ हम लोग खड़े हैं वही हम लोग का बेस है, यहाँ गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। नाउ अब हम लोग रेशियो जो है, टी रेशियोज, रेशियो का बात कर रहे हैं, तो हर एक एंगल के लिए कुछ साइड का रेशियो होता है, ठीक है, हर एक एंगल के लिए एक साइड का रेशियो हम लोग यहाँ डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है, हर एक एंगल के लिए। तो पहले एंगल ए का बात कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर यहाँ भी लिखो फॉर एंगल ए, फॉर एंगल ए एंड फॉर एंगल सी, दोनों को साथ में लेकर चल रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है, कि एग्जाम में कुछ भी आ जाए, ए आए सी आए, तो आप लोगों को डाउट नहीं हो, कुछ भी क्लियरली समझ में आए कि क्या करना है हम, ठीक है, क्लियरली समझ में आए क्या करना है, इसलिए अप्रोच हम लोग का यही है कि साथ में इसको हम लोग पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ओरिएंटेशन कुछ भी होगा, डायग्राम को उल्टा कर दिया पुल्टा कर दिया कैसा भी कर दिया, तो आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो फॉर एंगल ए फॉर एंगल सी हम लोग डिफाइन करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, रेशियो साइड्स का एक पर्टिकुलर एंगल के लिए। तो एंगल ए के लिए साइड्स का रेशियो क्या क्या पॉसिबल है, एंगल ए के लिए साइड्स का रेशियो क्या क्या पॉसिबल है, तीन साइड ही अपने पास में, ठीक है, अपने पास में तीन साइड्स ही है, तीन साइड अपने पास में अगर है तो क्या क्या बना सकते हैं हम लोग, किसका किसका रेशियो बना सकते हैं, तो हम लोग बना सकते हैं यहाँ पे किसका रेशियो, परपेंडिकुलर का और हाइपोटेनस का, ठीक है, ये हम लोग का पहला है, ठीक है। दूसरा क्या बना सकते हैं हम लोग, हम लोग बना सकते हैं बेस का और हाइपोटेनस का, और क्या बना सकते हैं हम लोग बना सकते हैं परपेंडिकुलर का और बेस का, ठीक है, ये हम लोग का तीसरा है, ठीक है, ये तीन रेशियो मेन हम लोग मेनली हम लोग बना सकते हैं, तीन रेशियो हम लोग साइड्स का बना सकते हैं मेनली, यहाँ पी बाई एच, पी बाई एच और पी बाई बी, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए एक नाम दिया गया है, ठीक है, इसको समझाने के लिए एक नाम दिया गया है, इसको बोला गया है साइन, ठीक है, पी बाई एच का जो रेशियो होता है क्या होता है, साइन होता है, साइन किसका, ठीक है, साइन इस एंगल ए का, ठीक है, साइन इस एंगल ए का, तो साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू पी बाई एच, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है, ठीक है, वो साइन से हम लोग को पता चलता है, ठीक है, कॉस ए से हम लोग को पता चलता है बेस और हाइपोटेनस का रेशियो, ठीक है, ये कॉस से पता चलता है, और परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो है वो हम लोग को पता चलता है टैन से, टैन ए, ठीक है, टैन है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये तो तीन रेशियो हम लोग यहाँ क्रिएट कर लिए, ठीक है, अपना परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का, बेस और हाइपोटेनस का, परपेंडिकुलर और बेस का। इसके अलावा और कुछ पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी कौन सा है, इसको उल्टा करके पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ बोल दें हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाय बेस और परपेंडिकुलर बाय बेस, ये बोल सकते हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हम लोग का साइन ऑफ एंगल ए हो गया, कॉस ऑफ एंगल ए हो गया, टैन ऑफ एंगल ए हो गया, ठीक है, रेशियो। बट हम यहाँ क्या बोल रहे हैं उस पर ध्यान दो, हम बोल रहे हैं साइन ऑफ एंगल ए, कॉस ऑफ एंगल ए, टैन ऑफ एंगल ए, तो साइन कॉस टैन रेशियो का नाम दिया गया, ठीक है, रेशियो का नाम दिया गया। अब साथ में ए ए ए एंगल लगाए हम, मतलब ये नहीं है कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन ए से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, कॉस ए से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, टैन ए से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, नहीं हो
रहा है, ध्यान में रखो, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। कौन मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है? साइन और ए मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, कॉस और ए मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, टेन और ए मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब साइन एंड ए, ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन में नहीं आएगा, ये मल्टीप्लीकेशन में नहीं आएगा, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्या है एग्जैक्टली? ये कोई नंबर नहीं है, ठीक है, ये क्या है? बस एक नाम हम लोग दिए हैं, ठीक है। अगर हम लोग बोलते हैं ए का साइन क्या होगा, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होगा। ए का कॉस क्या होगा, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज होगा। ए का टैन क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, ठीक है। और भी इसके इसको आप लोग अच्छे से डिटेल में जानिएगा अगले क्लास में, ठीक है। तो टेंथ के लिए हम लोग का स्कोप के अंदर जो है यही है, ठीक है। तो इसको आप समझने का कोशिश करो पहले। तो ये तीनों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे उल्टा होने से क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बोल दें एच बाई पी, ठीक है, तो एच बाई पी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक ए, ठीक है। अगर हम लोग बोलते हैं एच बाई बी, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेक ए, ठीक है। अगर हम लोग बोलते हैं बी बाई पी, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉट ए, ठीक है, ये हो जाएगा कॉट ए, ठीक है। तो ये कॉसेक है, ये सेक है, और ये कॉट है, ठीक है। तो तीनों क्या है? उल्टा है। किसका उल्टा है? साइन का, कॉस का और टेन का। तो एक मतलब स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे देख लो, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि वन बाई साइन ए इज इक्वल टू कॉसेक ए, वन बाई कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए, एंड वन बाई टैन ए इज इक्वल टू कॉट ए, ठीक है। मतलब टैन कॉट का रेसिप्रोकल है, कॉट टैन का रेसिप्रोकल है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉस सेक का रेसिप्रोकल है, ठीक है। कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है, और साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल है। मतलब उल्टा है, ठीक है। तो यहाँ उल्टा करके दिख दिया हम लोग, बहुत सिंपल है। ये एंगल ए के लिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लोग को एंगल ए के लिए समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इसको एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। किसके लिए? सी के लिए। तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार तो कर चुके हैं, फिर से लिखते हैं इसको, ठीक है, आपके सामने मेरे साथ। आप लोग भी लिखो फिर से कि आप लोग का रिविजन हो, ठीक है, क्योंकि हम लोग रिविजन ही तो कर रहे हैं, ठीक है। इसको अलग कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो साइन सी, साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कॉसिक सी, सिक्स सी और कॉट सी, ये लिख लिया हम लोग यहाँ पे। अब जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे थे, वैसे आप लोग यहाँ इस ट्रायंगल को देख के सी को देख, यहाँ पे एंगल सी को लेना है आप लोगों को, और ये रेशियोज लिखना है, ठीक है। तो साइन सी क्या हो जाएगा? सर पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस सी क्या हो जाएगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टेन सी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। कॉसिक सी क्या हो जाएगा? फिर उल्टा कर दो साइन का, ठीक है, एच बाई पी, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। कॉसिक सिक्स सिक्स सी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एच बाई बी, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। और कॉट सी क्या हो जाएगा? बेस में परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये तो लिख लिए हम लोग, यहाँ भी लिख लिए। ये ट्रायंगल काफ़ी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ट्रायंगल को समझने में। परपेंडिकुलर कौन सा होता है, बेस कौन सा होता है, हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, सब आप लोगों को पता है यहाँ पे, ठीक है। तो एक लास्ट काम कर लेते हैं, एक आखिरी काम कर लो यहाँ पे। अब नाम भी लिख दो, ठीक है। नाम यहाँ भी नहीं लिखा हुआ है, और नाम यहाँ भी नहीं लिखा हुआ है, तो नाम भी लिख दो, ठीक है। रेशियो तो हम लोग समझ गए, रेशियो क्या होता है, ठीक है। रेशियो को लिखते कैसे वो समझ में आ गया। साइड भी यहाँ लिखा हुआ है, बस ये फिल इन द ब्लैंक से उसको तुम भरना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक ब्लैंक दिया हुआ है, तो उसको तुम लोगों को भरना है, भर लो। सब तो पता है ही अभी, ठीक है, सब तो पता है ही, ठीक है। तो पहले इसमें लिख लो, इसका क्या हो जाएगा? पी बाई एच क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी सी अपॉन क्या हो जाएगा? ये ए सी, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। इसमें क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। अब कॉसेक का बात करें तो कॉसेक में कुछ नहीं करना है, साइन को उल्टा कर दो, साइन को उल्टा करो, ए सी अपॉन बी सी, ठीक है, ए सी अपॉन बी सी, ठीक है। सेक का लिखना है तो सेक का क्या हो जाएगा? कॉस को उल्टा कर दो, ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। कॉट को लिखना है तो टेन को उल्टा कर दो,
ए बी अपॉन बी सी, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब वैसे इसको लिख लो, ठीक है, यहाँ साइन सी लिखना है, साइन सी क्या हो जाएगा, ठीक है, तो साइन सी हम लोग का हो जाएगा परपेंडिकुलर ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। कॉस सी क्या हो जाएगा, कॉस सी हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। टेन क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। कॉसेक सी क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा कर दो, साइन सी का उल्टा कॉसेक सी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी, यहाँ पे हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। तो दोनों एंगल को लेकर हम लोग लिख लिए, ए को भी लेकर लिख लिए और सी को भी लेकर लिख लिए, ठीक है। हम लोग कोई ओरिएंटेशन चेंज नहीं किया ट्रायंगल का, ठीक है, हम लोग जैसा था वैसा, एक बार ए को लिए एक बार सी को लिए, यहाँ पे ए को लिए यहाँ पे सी को लिए, और दोनों को बारी बारी से हम लोग यहाँ पे टी रेशियोज में लिख लिए, ठीक है। तो अभी लिखने के बाद में एक कॉम्प्लिकेशन तो होता है, ठीक है, एक कॉम्प्लिकेशन होता है, इसके लिए बहुत सारा शॉर्ट ट्रिक्स दिया हुआ है, बहुत सारा कहावत मशहूर है एग्जैक्टली, ठीक है, क्लास में भी सुनाया होगा आप लोगों को, ठीक है, क्लास में भी आप लोग सुने होंगे, टीचर से सर से सुने होंगे क्लास में, या फिर कहीं जाते होंगे पढ़ने तो वहाँ भी सुने होंगे एग्जैक्टली, ठीक है, फ्रेंड्स से भी सुने होंगे एग्जैक्टली, ठीक है, तो यहाँ फिर भी हम बोलना चाहते हैं एग्जैक्टली, ठीक है, हम बोलना चाहते हैं जो आप लोगों को हेल्प करेगा इसको याद रखने के लिए, ठीक है। तो क्या था वो था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है, इसको लिख भी देते हैं यहाँ पे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो P by H ये वाला आ गया यहाँ पे, B by H यहाँ पे आ गया, और P by B यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये कहावत आज का नहीं है, ये कहावत सदियों से चला आ रहा है, जब हम लोग थे क्लास टेंथ में तब भी यही कहावत हम लोग को बताया गया था, और अभी तो बहुत सारा आ गया है, ठीक है, हो सकता है आपके क्लास में आप लोगों को कुछ अलग बताया गया हो, कुछ पाकिस्तान हिंदुस्तान वाला भी आ गया है अभी, ठीक है, बट पॉपुलर है ये, ठीक है, बहुत पॉपुलर है, वैसे भी हम लोग को याद करने से मतलब है, ठीक है, हम लोग को याद करने से मतलब है, चाहे जो भी आप लोगों को बताया गया हो आप लोग को याद होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट याद करना है, ठीक है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है, तो पंडित और हर में से हम लोग पी बाई एच लिए, हाँ, बद्री और हर में से बी बाई एच लिए, और प्रसाद और बोल में से पी बाई बी लिए, ठीक है, तो वो यहाँ पे लिख लिया अच्छे से। तो अगर हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होगा, ये साइन होगा, ठीक है, ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन मिलेगा, और नीचे वाले को ऊपर वाले से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, कोसेक मिलेगा, कोसेक मिलेगा, ठीक है, साइन कोसेक। फिर दूसरे वाले में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा, कॉस मिलेगा, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा, सेक मिलेगा। फिर तीसरे वाले में ऊपर से नीचे आएंगे तो टैन मिलेगा, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो कॉट मिलेगा, ठीक है, तो साइन कॉसेक, कॉस सेक टैन कॉट, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ठीक है, उल्टा, ठीक है, हम लोग का क्या है, उल्टा है, रिवर्स है एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये एक कहावत के साथ में होपफुली आप लोग याद कर लो इसको, ये सेकंड कंसेप्ट था हम लोगों का टी रेशियोज का, ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा होपफुली, ठीक है। अगेन हम लोग इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, ये कंसेप्ट पहले पढ़ा होगा और थोड़ा बहुत जो डाउट होगा वो होपफुली आप लोगों का क्लियर हो गया होगा इस एक्सप्लेनेशन से, ठीक है। तो इसको चलो, अब हो गया बहुत सारा थ्योरी हम लोग के पास, हम लोग बहुत सारा थ्योरी कर लिए, कंसेप्ट 1, 2, 3 कर लिए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बिना प्रैक्टिस के थ्योरी तो बेकार है, ठीक है, बिना प्रैक्टिस के थ्योरी बेकार है, तो कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं अल्टीमेटली, ठीक है, कुछ प्रैक्टिस कुछ बना के देखते हैं कि जो हम लोग पढ़े हैं थ्योरी में, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, उसमें राइट एंगल है बी के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे एक ड्रॉ कर लो ट्रायंगल सबसे पहले, ठीक है, एक राइट एंगल ड्रॉ कर लिए हम लोग, यहाँ पे क्या है, बी है, बी पर राइट एंगल है 90 डिग्री है, ठीक है, इसको ए मान लो, ए बी और सी, इसको सी मान लिए, ठीक है। निकालना क्या है, पहले में निकालना है साइन ए कॉस ए, दूसरे में निकालना है साइन सी कॉस सी, ठीक है। तो
सबसे पहले क्या करेंगे, साइड जो दिया है लिख लो, ए बी कितना दिया है, ए बी दिया हुआ है 24, तो 24 सेंटीमीटर है यहाँ पे, बी सी कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दिखने में छोटा बड़ा लग रहा है साइड, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हाथ से बना रहे ड्राइंग डायग्राम तो थोड़ा सा इधर उधर साइड का लंबा थोड़ा छोटा हो सकता है, ठीक है। बट ये 24 दिया हुआ है, ये 7 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोगों को निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, परपेंडिकुलर और बेस मालूम है, या फिर परपेंडिकुलर या बेस मालूम है, ठीक है। दोनों में से कोई भी परपेंडिकुलर हो सकता है, कोई भी बेस हो सकता है, ये डिपेंड करता है ए और सी के ऊपर। जब ए लेंगे तो ये परपेंडिकुलर, सी लेंगे तो ये परपेंडिकुलर, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हम लोगों को निकालना है हाइपोटेन्यूज, तो हम लोग यहाँ सिंपली एक तरीका यूज़ करेंगे निकालने के लिए, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो क्या था, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। याद तो होगा, नाम तो याद होगा, ठीक है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, हम लोग का पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग इसको निकाल लेते हैं, एच को सबसे पहले, तो यहाँ पे लिख लो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी कितना है, मतलब परपेंडिकुलर, या फिर कुछ किसी को भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तो अभी फिलहाल हम लोग दोनों का स्क्वायर ही करना है, ठीक है। तो स्क्वायर करके ऐड करना है, ए के लिए और सी के लिए अलग अलग परपेंडिकुलर और अलग अलग बेस है, ठीक है। बट पाइथागोरस लगाने के लिए हम लोगों को उसका ज़रूरत नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम को लगाने के लिए हम लोगों को उसका ज़रूरत नहीं है। हम लोग को ज़रूरत है इसका और इसका, मतलब बी सी का और ए बी का, इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ये हो जाएगा 576 प्लस 49, ठीक है, इज इक्वल टू 625। तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, एच का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 625 इज इक्वल टू 25। इसका आंसर प्लस माइनस 25 आना चाहिए, बट हम लोग यहाँ पे 25 लेंगे, क्योंकि हम लोग को पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू से ही डील करना है, तो यहाँ पे लिख लो 25। तो ये तीनों साइड्स का वैल्यू हम लोग के पास में आ गया, 7, 24 और 25, ठीक है ना। अब ध्यान देना है ए और सी पे, क्योंकि हम लोग को एक बार ए पे कैलकुलेट करना है, एक बार सी पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पाइथागोरस तो लग ही जाता है राइटिंग रेक्टेंगल में, ठीक है। तो पहला कैसे निकालेंगे हम लोग, साइन ए कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे ये एंगल के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है, इस एंगल के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये एंगल के लिए बेस कौन है, इसका आधार क्या है, इसका आधार है ए बी, ठीक है। एंगल ए का आधार क्या है, ए बी है, बेस क्या है, ए बी है, ठीक है। तो साइन निकालना है, ठीक है, साइन निकालना है, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये साइड वाला होगा, दिस वन 7 सेंटीमीटर, पर लिख लो यहाँ पे बी सी अपॉन ए सी, ठीक है, बी सी अपॉन, बी सी परपेंडिकुलर है और ए सी हम लोगों का हाइपोटेन्यूज है। तो क्या हो जाएगा, बी सी कितना है दिया हुआ है यहाँ पे, बी सी दिया हुआ 7 सेंटीमीटर और ए सी दिया हुआ 25, आया 25, ठीक है। देखो यहाँ पे कैलकुलेट करके बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि 25 सेंटीमीटर, तो दिस इज 7/25, ठीक है। चाहे काम करो, यूनिट हटा दो यहाँ से, ज़रूरत नहीं है यूनिट का, ठीक है, यूनिट नहीं होता है इसमें यूनिट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि रेशियो है ना, हम ऐसे ही दिया था तो लिख दिए, बट चलो 7/25 है, ठीक है। नाउ कॉस ए, कॉस ए क्या हो गया, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है, ए का बेस 24 है, तो बेस लिखो 24, हाइपोटेन्यूज कितना है 25, तो 25 हो गया, ठीक है। तो कॉस ए हो गया 24/25, साइन ए हो गया 7/25, समझ में आ गया पहला। दूसरा सी देख लो, अब हम लोग को ए का काम हम लोग कर लिए, सी का काम करने वाला है, तो सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, सी के लिए परपेंडिकुलर होगा तुम्हारा ए वाला, ठीक है, बी है, तो यहाँ पे साइन सी निकालो, तो साइन सी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, फिक्स रहता है हाइपोटेन्यूज, चेंज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन सी के लिए ए बी परपेंडिकुलर, ठीक है, ए के लिए बी सी परपेंडिकुलर, ठीक है, इसका ध्यान रखना, यही सबसे पहले कंसेप्ट में डिस्कस किए थे। तो ए बी कितना होगा, ए बी तो 24 है, ए सी कितना है 25 है, द वैल्यू इज 24/25, ठीक है। नाउ कैलकुलेट कॉस सी, कॉस सी इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या होता है, सी के लिए बेस क्या होगा, उसका आधार क्या है, जिस पे टिका हुआ है, किस पे टिका हुआ है, बी सी पे टिका हुआ है, तो लिखो बी सी का वैल्यू 7
ठीक है, एज क्या, हैबिटनेस 25, ठीक है, फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता है। तो हम लोग पहले वाले कंसेप्ट से बहुत आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए। ठीक है, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर टू। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर टू, तो ये देखो क्या है यहाँ पे, ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए होमवर्क में सेम क्वेश्चन है उस टाइप का जैसा पहले हम लोग बनाया वैसे ही क्वेश्चन है, तो इसको होमवर्क में जरूर बनाना। ठीक है, जरूर से जरूर बनाना, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो और क्वेश्चन नंबर टू हम लोग यहाँ पे करेंगे यहाँ पे अभी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू में क्या है, यहाँ दिया हुआ है सेक थीटा का वैल्यू 13/2 रेशियो दिया, 13/12 का है। ठीक है, और उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम लोग कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, नाम दे दो कुछ उसका, ABC, इसको बोल दो कि एंगल थीटा है। ठीक है, तो थीटा एंगल हम लोग मान के चल रहे हैं, वही हम उसी के टर्म में सारा वैल्यू हम लोग को निकालना है थीटा के टर्म में। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, और ये हम लोग का बेस रहेगा, ये हम लोग का परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये हम लोग का बेस रहेगा, ये हम लोग का परपेंडिकुलर रहेगा, और ये तो हाइपोटेन्यूस है अपने को पता है। ठीक है, फिक्स है। अब सेक क्या होता है, अगर ये एंगल थीटा है हम लोगों का, तो सेक थीटा को कैसे लिखेंगे हम लोग, तो सेक थीटा होता है, अब यहाँ पे थोड़ा रिकॉल करो जो हम लोग एक कहावत याद किए थे थ्योरी में, वो था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, हर हर बोले या हर हर बोल, कुछ भी बोलो। ठीक है, कुछ भी बोल, हर हर बोल या फिर हर हर बोले। ठीक है, तो ये जो है B/H, ये कौन सा रिलेशन होता है, ये होता है कॉस का, अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो। ठीक है, और ये होता है सेक का, अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो। सेक ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, तो कॉस ऑफ थीटा क्या होगा, B/H, सेक ऑफ थीटा क्या होगा, H/B। ठीक है, रेशियो तो दिया हुआ है 13/12 का, तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, नहीं सॉरी, यहाँ पे हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है कितना, 13, क्योंकि ये क्या हो जाएगा हम लोगों का H/B। ठीक है, H/B हो जाएगा, तो 13/12, तो ये दिया हुआ 13। ठीक है, और B क्या दिया है, बेस दिया हुआ 12। ठीक है, दिया 12। अब एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हम लोगों को समझना है यहाँ पे। ठीक है, एक और छोटा सा कंसेप्ट है, उसको समझो पहले। 13/12 क्या दिया हुआ, रेशियो दिया हुआ है। रेशियो क्या होता है, ठीक है, रेशियो होता है तुम्हारा डिवीजन होता है। ठीक, कंपैरिजन बाय डिवीजन होता है। तो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, दो साइड्स को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये तो एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, मतलब यूनिटलेस एग्जैक्टली रेशियो है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है। साथ में रेशियो और क्या होता है, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये नहीं हुआ, अगर हम बोलते हैं कि H/B, हम लोग का H/B अगर हम लोग का 13/12 है, इसका मतलब क्या हुआ, H 13 होगा और B 12 होगा। ठीक है, H 13 होगा, B 12 होगा, ऐसा है क्या, नहीं है ऐसा, ऐसा नहीं है। ठीक है, 13 और 12 हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं होता है। ठीक है, हमेशा नहीं होता है। तो एक रेशियो है, तो रेशियो है, तो हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल भी लगाते हैं यहाँ पे, जब यहाँ लिखेंगे एग्जैक्ट अलग अलग करेंगे इसको, तो यहाँ लिखेंगे P=H=, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 13x लिख लो या फिर K लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे बेस क्या लिखेंगे हम लोग, 12K। ठीक है, K क्यों लिखें हम लोग, क्योंकि एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं, समझो इसको। ठीक है, एक एग्जाम्पल लो सीता और गीता का। सीता का एज कितना है, सीता का एज कुछ है और गीता का भी कुछ एज होगा। ठीक है, सीता का एज है मान लो 10 साल, ठीक है, गीता का एज है 40 साल। ठीक है, सीता 10 साल की है और गीता 40 साल की है। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि सीता और गीता का एज का रेशियो निकालो, सीता और गीता का एज का रेशियो निकालो। ठीक है, एज तो अपना अपने को मालूम है, सीता का भी मालूम है, गीता का भी मालूम है, तो रेशियो ऑफ एजेज ऑफ सीता एंड गीता क्या होगा, वो क्या होगा बच्चा बताओ, ये होगा 10/40। क्या होगा, 10/40, अभी ऐसे निकालेंगे ना, डिवाइड कर देंगे दोनों को। ठीक है, बट साथ में हम लोगों को सिखाया गया कि इसको काटना पड़ता है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 0 कट जाएगा, तो बचेगा 1/4। ठीक है, तो सीता और गीता
ठीक है, सीता अपॉन गीता इज इक्वल टू 1/4। इन लोगों का जो एज का रेशियो है कितना है, 1/4 है। इसका मतलब क्या हुआ, सीता का उम्र 1 साल है और गीता का उम्र 4 साल है, नहीं है ना ऐसा? वो तो 13, यहाँ पर क्या है एग्जैक्टली 1/4 है रेशियो, उम्र कितना है 10 साल है और 40 साल है। तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिलेगा, ठीक है, 4 में 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 मिलेगा। तो एक नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग एग्जैक्ट एज को जानने के लिए इन लोगों का। तो एक रेशियो है ये, ठीक है। तो रेशियो में जब भी इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे तो एक वेरिएबल साथ में लिख देंगे यहाँ पे, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे 10 है, 1 × 10, 1 × 10 और 4 × 40, सॉरी 4 × 10, ठीक है। तो कितना हो गया, 10/40, ये पहले इतना आ गया, ठीक है, जितना पहले था उतना आ गया, ठीक है। सो इसको ध्यान में रखो, यहाँ पे के क्यों लिखते हैं ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा कंसेप्ट था, समझना इम्पोर्टेंट था, ठीक है। नाउ अब ये तो पता है आपने को, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करो यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा h² = p² + b² निकालना, क्या आपने को निकालना परपेंडिकुलर, क्योंकि सेक क्या होता है, h/b होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर तो दिया नहीं है, वो निकाल लेंगे, जो नहीं दिया उसको निकाल लेना बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जो नहीं दिया उसको निकाल लो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो h² = p² + b² हो गया। नाउ h का वैल्यू दिया हुआ 13 k, लिखे हैं हम लोग 13 k का स्क्वायर हो जाएगा, p² हो जाएगा, प्लस b² क्या होगा, 12 k का स्क्वायर, एम्प्लाइज लगा देंगे। तो p² कितना हो जाएगा, दिस इज 13 मतलब 169 k² माइनस, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 144 k² = 25 k², दिस इम्प्लाइज p = √√25 k² = 5 k, ठीक है। अगेन पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग का कितना आ गया, 5 k आ गया। तो अपने को पता है परपेंडिकुलर क्या है, अपने को पता है बेस क्या है, अपने को पता है हाइपोटेनस क्या है, सबका वैल्यू पता है अपने को, 5 k, 13 k, 12 k, ठीक है। तो ये पाइथागोरस का हम लोग यूज़ किए, पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग यूज़ किए, ठीक है। अब हम लोगों को क्या निकालना है, यहाँ बोल रहा है कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, चलो कोई बात नहीं, इसको निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ लिख देते हैं sec थीटा h/b = 12/13/12, ठीक है। नाउ एक करके लिखो फटाफट, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, ठीक है, cosec थीटा एंड cot थीटा। क्यों, क्योंकि sec दिया हुआ ऑलरेडी, तो sec को यहाँ लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये पांचों लोगों को निकालना है यहाँ पे। तो sin थीटा क्या हो जाएगा, ये होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, 5 k, हाइपोटेनस क्या है, 13 k, यहाँ हो जाएगा 5/13, ठीक है, k कैंसिल हो जाएगा। cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपन हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा, या फिर यहाँ से उल्टा कर देना इसको तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाएगा 12 k / 13 k = 12/13। देखो सेक का उल्टा है, 13/12, 12/13, 10 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना, 5 k / 12 k, k कैंसिल, अगेन 5/12, ठीक है। कॉसेक क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा, मतलब h/p, तो कितना हो जाएगा, 13/5। कॉटेटा क्या हो जाएगा, 10 का उल्टा, मतलब b/p = 12/5, एक लोग कोई दिक्कत नहीं, और थीटा, ठीक है। तो ये बाकी का टी रेशियोज भी हम लोग निकाल लिए, ठीक है। तो k का कंसेप्ट समझ में, समझे हम लोग यहाँ पे k कैसे यूज़ क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, रेशियो क्या होता है, और अगर एक दिया रहेगा तो बाकी का टी रेशियोज कैसे निकालेंगे, वो हम लोग को यहाँ से समझ में आ गया, ठीक है। चलो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, इफ cos थीटा = 7/8, कैलकुलेट दिस एंड दिस, दोनों निकालना है। पहला क्वेश्चन हम लोग का जो है अभी, मतलब ये हम लोग ऑलमोस्ट हम दो तीन क्वेश्चन कर चुके हैं। अब देखो ये क्वेश्चन जो हम लोग का है, 7/8 दिया हुआ है cot का वैल्यू, तो यहाँ पे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं,
ठीक है, ABC नाम दे दो इसका, दिस इज एंगल थीटा, ठीक है, थीटा निकालना है, थीटा एंगल दिया हुआ है, चलो वेट, अब कॉट थीटा है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कॉट थीटा है, इसका मतलब क्या होता है, कॉट का मतलब ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, तो थीटा के लिए बेस तो ये है, और परपेंडिकुलर हम लोग का ये है, ये हम लोग का हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, तो 7/8 दिया हुआ है कॉट थीटा का वैल्यू, ठीक है, तो बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस हो जाएगा अपना क्या 7 के, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 8 के, ठीक है, फिर से क्या करेंगे हम लोग, फिर से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, क्या होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर निकालना है इस बार, पी दिया हुआ है 8k² प्लस 7k², तो हो जाएगा 64k² प्लस 49k², ठीक है, अब 64 प्लस 49 कितना होता है 113k², ठीक है, एच स्क्वायर, तो एच क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा अंडर रूट 113k² इज इक्वल टू k टाइम्स अंडर रूट 113, ठीक है, तो एच का वैल्यू निकाल लिया हम लोग यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k अंडर रूट 113, k अंडर रूट 113, ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, हम लोग का हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है, नाउ अब यहाँ निकालना क्या क्या वो देख लो, साइन और कॉस चाहिए, तो ये वैल्यू हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ दूसरे में कॉट निकालना है, ठीक है, तो निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम लोग, साइन थीटा, ठीक है, लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है 8 के, हम लोग हाइपोटेनस कितना है के अंडर रूट 113, तो के कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 8/113, ठीक है, ये साइन हो गया हम लोग, फिर कॉस क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 7 के, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा के टाइम्स अंडर रूट 113, तो के कैंसिल हो गया, दिस इज 7 अंडर रूट 113, ठीक है, अब जो एक्सप्रेशन लिखना है पहला वाला उसको लिख लेते हैं यहाँ पे, 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, फॉर्मूला याद है, ठीक है बच्चा, बोर नहीं होना, ठीक है, बोर नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसको देखते रहो, ऐसे प्रैक्टिस करते रहो, मैथ्स में जब तक पेन चलेगा तब तक मार्क्स मिलेगा, ठीक है, देख के मार्क्स नहीं मिलेगा तो बनाएंगे तो बोर नहीं लगेगा, ठीक है, बोरिंग तो है ही नहीं मैथ्स, ठीक है, मैथ्स तो बोरिंग है ही नहीं, ये तो भ्रम है हम लोगों का कि मैथ्स बोरिंग होता है, चलो ठीक है, ठीक है, तो अब क्या है ये, अब कुछ याद आ रहा है इसको देख के, एक फॉर्मूला याद आ रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, उस पर इसको चेंज कर लो, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा, अच्छा ठीक है, हम लोग को यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ नहीं करना है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ नहीं करना है, इसको हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, केवल फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, इसको फर्दर हम लोग जब आइडेंटिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, ठीक है, वैसे इसको हम लोग लिख सकते थे कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे में साइन स्क्वायर थीटा, तो केवल टेन से ही काम चल जाता है हम लोगों का, ठीक है, बट छोड़ो उसको, अभी यहाँ पे क्या है, सिंपली हम लोग वैल्यू जो निकाले उसको पुट कर देते, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ये जो साइन का कॉस का वैल्यू है पुट कर दो, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन का वैल्यू हम लोगों का 8 अपॉन अंडर रूट 113 स्क्वायर बाय 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा, इसको हम मिटा देते हैं, बट
ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी, दिस बिकम्स 1 माइनस 64 बाय 113 एंड 1 माइनस 49 बाय 113। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 एंड 113 माइनस 49 अपॉन 113। 113 113 कैंसिल, और फिर यहाँ पे होगा कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा 36 एंड 13 49 अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 64। ठीक है, तो हम लोग का आंसर कितना आया यहाँ पे, 49 अपॉन 64। ठीक है, बहुत सिंपल था, कुछ नहीं था, ये टेबल बनाना था केवल, और यहाँ पे अगर हम लोग आइडेंटिटीज पढ़े होते तो यहाँ तो और आसानी से बन जाता है, यहाँ सिंपली 10 आ जाता है, 10 का वैल्यू निकाल कर हम लोग उसको सॉल्व कर देते। ठीक है, बट छोड़ो, अभी हम लोग साइन कॉस निकाले यहाँ पे, साइन थीटा कॉस थीटा वैल्यू पुट किए और सिंपल कैलकुलेशन करके इसको निकाल लिए। ठीक है, एक हम बनाए, एक आप लोगों के लिए होमवर्क, ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, अब जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हिंट दे रहे हैं, वैसे आप लोगों को मिल जाएगा सॉल्व करके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम शेयर कर लेंगे, बट यहाँ पे देखो क्या दिया है, यहाँ दिया है 3 cot A = 4। यहाँ क्या करना है, यहाँ पे करना है cot A = 4/3, इसको यहाँ लेके जाएंगे हम लोग। ठीक है, cot A = 4/3 हो जाएगा। अब cot A = 4/3 आया तो यहाँ हम लोग ट्राइंगल बनाएंगे अगेन। ठीक है, इसको मान लेंगे एंगल ए, ठीक है, ये बी, इसको सी मान लेते, एंगल ए, तो cot A क्या होता है, दिस इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 4K, ये क्या हो जाएगा 3K, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम लोग इसको निकाल लेंगे, जो कि कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करके दिस इज 5K। ठीक है, हम लोग को 5K मिलने वाला है। अब यहाँ से tan का वैल्यू निकालो, cos का निकालो, sin का निकालो, ठीक है, और LHS RHS करके, ठीक है, पहले LHS को सॉल्व करो, फिर RHS को करो। ठीक है, तो LHS RHS को करके देखना है कि दोनों बराबर है कि नहीं है। ठीक है, और अगर बराबर है तो कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट करना है, हम कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो कमेंट ज़रूर करना, कमेंट का रिप्लाई आप लोगों को मिलेगा, बट ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर उसको बनाना, ज़रूर उसको होमवर्क में करना, जो भी होमवर्क दिया जा रहा है उसको करो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करो। ठीक है, क्योंकि हम लोग का मिशन है, हम लोग का टारगेट है कि हम लोग को मैथ्स में कुछ भी करके 100 में 100 लेके आना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे है, क्या है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, इफ tan इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टू क्वेश्चन। ठीक है, दो क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है क्वेश्चन का। चलो यहाँ ट्राइंगल बनाते हैं, पहले बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ट्राइंगल ABC है, ठीक है, राइट एंगल एट बी, ठीक है, बी पे क्या राइट एंगल है, 90 डिग्री है। ठीक है, ये हम लोग का एंगल ए, ये हम लोग का एंगल सी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ ट्राइंगल बना लिए। अब देखो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है वैल्यू tan = 1/√3, मतलब क्या हुआ, अब यहाँ दिया हुआ है tan = 1/ given, ठीक है, tan = 1/√3 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, tan क्या होता है, tan होता है रेशियो परपेंडिकुलर का और बेस का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ करेंगे P/B। ठीक है, ये हम लोग का एंगल ए, इसके सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसके सामने वाला कौन सा है, ये वाला, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो इसको हम लोग ले लेंगे कितना, 1K। ठीक है, 1K परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1K। ठीक है, बी ए क्या है, हम लोग का बेस है, ये √3 है, दिस इज √3K, ठीक है, टू बेस, तो बेस √3K परपेंडिकुलर 1K। नाउ फाइंड द हाइपोटेनस फर्स्ट, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हाइपोटेनस निकालेंगे, AC, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम
क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एस स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी यस यस, एस स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी का वैल्यू डाल दो, रूट थ्री के स्क्वायर प्लस वन के का स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री के स्क्वायर प्लस वन के स्क्वायर इज इक्वल टू फोर के स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का ए सी आ जाएगा कितना, ए सी आ जाएगा हम लोगों का अंडर रूट फोर के स्क्वायर इज इक्वल टू टू के। तो हम लोग कल पॉजिटिव वैल्यू लेना है यहाँ पे फिर से, तो ए सी निकल गया हम लोग का कितना, हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू टू के। अब देखो निकालना क्या अपने को, ठीक है, निकालना क्या अपने को, टू फाइंड निकालना अपने को साइन ए कॉस सी, ठीक है, प्लस कॉस ए साइन सी, ठीक है। ये वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो बारी बारी से काम करो, यहाँ पे जो जो वैल्यू दिया होगा सबको लिख लो, ठीक है, जो जो वैल्यू दिया है सब सबको लिख लो। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग साइन ए कितना हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कितना है, वन के, अभी निकाले हम लोग हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा, टू के इज इक्वल टू वन बाई टू, ये रेशियो आ गया साइन का, साइन ऑफ एंगल ए का। नाउ साइन कॉस ऑफ एंगल ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब कितना हो गया, रूट थ्री के अपॉन टू के कैंसिल, ये हो जाएगा रूट थ्री अपॉन टू, ठीक है। फिर निकाल लो कॉस सी का, कॉस सी का वैल्यू, अब ये सी एंगल जब हम लोग लेंगे तो हम लोग का परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, और बेस हम लोग का हो जाएगा ए सी, तो कॉस सी मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो बेस क्या है, बेस तुम्हारा बी सी है और हाइपोटेन्यूस तो हम लोग का फिक्स रहता है ए सी, ए सी लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, तो बी सी का वैल्यू जो लिख दो अपने यहाँ पे वन के हो जाएगा अपॉन ए सी का वैल्यू कितना है, टू के इज इक्वल टू वन बाई टू, ठीक है। कॉस सी लिख लिया हम लोग, अब हम लोग लिखना है साइन सी, साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी ए अपॉन हाइपोटेन्यूस तो फिक्स है ए सी, बी ए बी लिख लो कुछ भी लिख लो चलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट थ्री के अपॉन टू के इज इक्वल टू रूट थ्री अपॉन टू, ठीक है। तो जो जो वैल्यू हम लोग को निकालना था हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल से यहाँ पे लिख लिया। नाउ अब इसको सब्स्टिट्यूट करना है हम लोग को, जो निकालना है उसमें, तो साइन ए कितना है, साइन ए वन बाई टू इन टू कॉस ए कितना है, वन बाई टू प्लस कॉस ए कितना है, रूट थ्री बाई टू, और साइन सी कितना है, रूट थ्री बाई टू, ठीक है। प्रेजेंटेशन बढ़िया होना चाहिए, ठीक है, सेपरेट सेपरेट लिखना अलग अलग से कि समझ में आए चेक करने वाले को, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अलग अलग वैल्यू लिखना है, सुंदर से लिखना है, साफ सुथरा लिखना है। तो ये हो जाएगा वन बाई फोर प्लस थ्री बाई फोर इज इक्वल टू फोर बाई फोर इज इक्वल टू वन, तो इसका वैल्यू कितना आ गया हम लोग का, वन आ गया, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अभी दूसरा क्वेश्चन है, सेम टाइप का है, ठीक है। अब इसको हम छोड़ देते हैं होमवर्क के लिए, तो इसको पक्के से होमवर्क में कर लेना, इसको पक्के से होमवर्क में कर लेना, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार हम बोल रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस करना है, ऐसे ही मतलब एग्जैक्टली मार्क्स मिलेगा, ठीक है, और गलती नहीं होगा। जो भी हम लोग का ह्यूमन एरर होता है, जो हम लोग गलती कर देते हैं कभी कभी अनजाने में, वो गलती रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपने को, यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ पी क्यू आर, तो ड्रॉ कर लो पहले ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर, जहाँ पे क्यू पे क्या है तुम्हारा
90 डिग्री, ठीक है। सो पी क्यू एंड आर, ये हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल है। और यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है, क्या रिलेशन दिया हुआ है, गिवन पी आर प्लस क्यू आर इज़ 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रिलेशन दिया है, अब इसके हिसाब से क्या करना है, अपने को साइड्स निकालना है, ठीक है। इसका तो पी क्यू तो दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, यहाँ देख लो 5 सेंटीमीटर। और ये क्या है, बेस है, इसके लिए बेस है, पी के लिए बेस है, और ये परपेंडिकुलर है पी के लिए, और ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो सारे वैल्यूज को अपने को निकालना है यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये वन मान लेते हैं इसको, और फ्रॉम वन यहाँ पे लिख लो पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। ये टू ले लो इसको, ठीक है। क्लैरिटी आता है नंबर लेने से, ठीक है। वैसे इसको करने का तरीका बहुत सारा है जिसमें आप लोग कंफर्टेबल हो, ठीक है। यहाँ पे हमको एक्सप्लेन करना है इसलिए हम नंबरिंग करके समझा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को समझ में आए, कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम, वी नो दैट, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है एग्जैक्टली, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। पी आर का वैल्यू अपने को पता है 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। यह है अपना, अब क्यू आर तो पता, पी क्यू तो अपने को पता है, ठीक है। पी क्यू का वैल्यू अपने को पता है कि क्या है पी क्यू का वैल्यू, तो पी क्यू का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, ठीक है। दिस इम्प्लाइज यहाँ हो जाएगा 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग यूज़ किए यहाँ पे, इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर क्या है 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो क्यू आर स्क्वायर यहाँ भी है और क्यू आर स्क्वायर यहाँ भी है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको कैंसिल कर दो तो हो जाएगा 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50 क्यू आर, दिस इम्प्लाइज क्यू आर इज इक्वल टू 650 क्यू आर, तो 600 आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज क्यू आर इज इक्वल टू 600 अपॉन 50 और ये आ जाएगा 12, ठीक है। तो क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू आ गया 12, ठीक है। अब 12 आ गया क्यू आर का वैल्यू, पी क्यू दिया हुआ 5, तो हाइपोटेन्यूज निकालना बहुत आसान है, पी आर निकालना बहुत आसान है अपने लिए। अब तो यहाँ लिखो फ्रॉम टू वी हैव पी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13, तो हैप्पीनेस का वैल्यू अपना आ गया 13। अभी ट्रायंगल कंप्लीट हो गया, साइड्स को हम लोग निकाल लिए और लिख लिए, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, साइन पी कॉस पी और टैन पी, ठीक है। अपने को निकालना है साइन पी कॉस पी और टैन पी, ठीक है ना। तो हम निकालते हैं यहाँ पे, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन पी, नाउ साइन पी इज इक्वल टू क्या होगा, साइन पी का क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 12 है, तो 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 13, तो 12 अपॉन 13 वैल्यू आ गया साइन पी का। कॉस पी क्या हो जाएगा, कॉस पी इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कितना हो जाएगा 5 अपॉन 13, और टैन पी कितना हो जाएगा,
tan p is equal to perpendicular upon base is equal to 12 upon 13. ठीक है, सॉरी 12 upon 5. बेस कितना है? 5 है. कंप्लीट हो गया सेशन. ठीक है, बेसिकली जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हम लोग कर लिए यहाँ पे. ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करो इस पे जितना प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है, कोई डाउट रहे तो कमेंट जरूर करना. ठीक है, सोल्यूशन प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे. और प्रैक्टिस इस तरह से होना चाहिए, केवल देख के क्वेश्चन नहीं, केवल क्वेश्चन को देखना नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है. क्वेश्चन को केवल देखना नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है. पेन यूज़ करना है. ठीक है, और खूब प्रैक्टिस करना है. अब एग्ज़ाम में केवल 2 महीना बचा हुआ है, और 2 महीना में इस तरह से प्रैक्टिस करो. दिमाग मेंटेलिटी होना चाहिए उस तरह का, मेंटेलिटी का ऐसा इस तरह का होना चाहिए कि 100 में 100 नंबर आए. ठीक है, सोच से सब कुछ होता है, तो सोच बदलो. ठीक है, नंबर अपने आप चला आएगा. ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो. ठीक है, और इन्जॉय करो मैथ्स को. थैंक यू वेरी मच.